Good morning dear friends and greetings in the name of the Lord Jesus Christ. और आज के दिन सुप्रभात मेरे मित्रों और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका अभिवादन। I am very happy to be with you for a few minutes. और आज के दिन मैं बहुत आनंदित हूं कि मैं कुछ समय आपके संग बिता सकता हूं। And so let us uh, Draw ourselves closer to, the, closer to the Lord and be silent for a few minutes before we get into the day's activities and works. एक्सेट्रा और होने दे इसलिए आज की सुबह या आज के दिन हम कुछ समय के लिए खुद को शांत करें और खुद को परमेश्वर के निकट ले आए ताकि हम पूरे दिन को संभालने या उसमें चलने से पहले परमेश्वर की वाणी को सुन पाएन और आज की सुबह का मनन हमने लिया है पहले की पत्री और उसके पहले अध्याय और छठे और सातवें वचन से These verses say, and you became imitators of us and of the Lord when, in spite of a severe persecution, you welcomed the message with the joy from the Holy Spirit. As a result, you became an example. To all the believers in Macedonia and प्रभु किसी चाल चलने लगे यहाँ तक कि मी दुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने In verse फाइव if you notice, Paul describes the way. The gospel was presented to the Thessalonians. और अगर आप पांचवें वचन की ओर इसी अध्याय के देखेंगे तो आप देखने पाएंगे कि किस प्रकार से के जो विश्वासी थे उन्हें सुसमाचार पॉलिस के द्वारा मिला था सिक्स and सेवन he gives an equally full description of the way the gospel was received

choice और जिस पॉलिश इस बात के लिए स्पष्ट रीति से निश्चित था कि जिस तरीके से इन विश्वासियों के सामने सुसमाचार को प्रस्तुत किया गया वो बिल्कुल सही और सत्य था अब बिकस ऑफ द रिजल्ट इट प्रोड्यूस्ड इन द थेसलोनियन बिलीवर्स क्योंकि इसका कारण ये था क्योंकि ये सुसमाचार जिस प्रकार के प्रतिफल को लेकर के आया इन विश्वासियों के बीच में द इफेक्ट वाज सो ड्रामेटिक और इसका परिणाम स्वरूप जो चीजें उन विश्वासियों के जीवन में हुई and, वो देखने योग्य है एंड वेरी रियल और कई बा, सारी बातें वास्तविक है और वे तो Paulus की और प्रभु येशु मसीह की सी चाल चलने लगे कंसर्निंग दिस और इन बातों को लेकर के कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा फर्स्ट दे वेलकम द मैसेज underwork convert पहली बात जो थेस्लोनियो के विश्वासियों ने की वो ये था कि उन्होंने सुसमाचार का स्वागत किया और उस सुसमाचार को सुनकर उन्होंने मन फिराया and secondly they welcome in spite of a severe persecution और दूसरी बात जो देखते हैं हम इन विश्वासियों के जीवन से कि बड़े सताव के बीच में उन्होंने सुसमाचार को ग्रहण किया and such persecution uh, will uh, have a Uh, और एक ऐसा सताव जिसके बीच में उन्होंने जब इस सुसमाचार को ग्रहण किया उसके परिणाम स्वरूप उन्हें कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करना पड़ा Thirdly, तीसरी बात इन सच ए डिफिकल्ट सिचुएशन इतनी मुश्किल परिस्थिति में दे एक्सपीरियंस्ड जॉय उन्होंने एक आनंद का अनुभव किया विच कुड कम ओनली

सो रैपिड की उनका आत्मिक बढ़ना इतना तेजी से था एंड जेन्य वास्तविक मॉडल टू ऑल बिलीवर्स एंड चर्चेस इन मैसिडोनिया एंड अखाइया की यह सारे विश्वासी दूसरी कलिसियाओं के लिए जो की मकदुनिया और अखाया में पाई जाती थी और उनके विश्वासियों के लिए एक उदाहरण बन गए एंड सो फर्स्ट लुक एड गॉस्पल केम टू दम और इसलिए आइए देखें पहली बात कि यह सुसमाचार उनके पास पहुंचा कैसे इट केम इन वर्ल्ड और यह सुसमाचार बट द वर्ल्ड ऑफ द गॉस्पल के, के लेकिन यह सुसमाचार का शब्द उनके पास सामर्थ के द्वारा पहुंचा the Holy स्पिरिट वर्ल्ड और जब पवित्र आत्मा का उस वचन ने इस सुसमाचार ने उन विश्वासियों के अंदर एक गहरी कायलता को लाया एंड द came ऑल्सो केम टू दम विद

Privately with God. हमें उससे पहले बहुत सा समय परमेश्वर के संग गुप्त रीति से बिताना है केवल हमें पवित्र आत्मा की का अनुभव करना है And a mighty anointing also must come. लेकिन एक सामर्थ्य परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर आना चाहिए this is necessary in order to bring conviction of sin to the दिसनर और ये जरूरी और महत्वपूर्ण है ताकि कायलता को उन सुनने वालों के हृदय में ला सके सो so दे और इसी प्रकार से यह सुसमाचार इन फैसलोनियों के विश्वासियों के बीच पहुंचा सेकेंडली दूसरी बात Here is a heathen city. और यहाँ पर हम एक गैर यहूदी नगर को देखते हैं With heathen people. और ऐसे लोग जो गैर विश्वासी या गैर यहूदी हैं। Never acquainted with the gospel before. और उन्होंने इन लोगों ने कभी भी पहले सुसमाचार को नहीं सुना यहाँ इस नगर के लोगों ने पहली बार सुसमाचार को पॉलुस और उसके साथियों से सुनाड और जैसे उन्होंने सुसमाचार को सुना दे वेलकम दुसमाचार का स्वागत किया एंड वंस दे वेलकम दे बिलीव इन और जैसे उन्होंने इसका स्वागत किया उन्होंने सुसमाचार पे विश्वास किया एंड एंड कम्प्लीटली कन्वर्ट और वो पूर्ण रूप से और पूरी संभवता और विश्वास के साथ उन्होंने मन फिराया और वे बदल गए Here is God's elective purpose at work. और यहाँ पर हम परमेश्वर के उस उद्देश्य को देखते हैं की कि वो किस प्रकार से लोगों को चुनता है व पर्पज ऑफ the gospel और सुसमाचार का उद्देश्य क्या है to change people ताकि लोगों के जीवनों को बदल दे to convert them by convicting them ताकि उन्हें बदल दे उस कायलता को ला करके all these works are the works of the holy spirit और ये सारे कार्य पवित्र आत्मा के कार्य हैं that's why we need to be men and women filled with the holy spirit and anointed बनना है जो परमेश्वर के द्वारा उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा आविष्त किए गए हों और उन जिनके जीवनों से उसका सामर्थ्य दिखता so I pray और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ आप में से जो हमें सुन रहे हैं आज की सुबह God saved you, परमेश्वर ने आपको बचाया this is the time। और यदि कोई ऐसा है जो हमें सुन रहा है और अभी तक प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का जो सामर्थ है उसका अनुभव उसने नहीं किया है ये वो समय या घड़ी है सरेंडर your लाइफ